रिकॉर्डिंग हो रही है? यस मैम, यस मैम, यस मैम, हो रही है। मैं उधर ही चल जाता हूँ। मैम अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा कुछ। माइक बंद कर लीजिए। सौम्या सिद्धिक माइक बंद कर लीजिए, नहीं तो फिर दूसरे बच्चे डिस्टर्ब होंगे। सो फार वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द गोलकोंडा फोर्ट। देयर आर बिग वॉल्स इन द गोलकोंडा फोर्ट to ensure the security of the fort and strong gates so that if enemy attack it cannot easily enter inside the gate, inside the fort. And inside the fort on the big wall there were bastions. Bastions were made as a hole in the wall so that soldiers of the Golconda can see the enemy, and if they are attacking they can attack from there, they can watch the enemies where they are. And the canal was dug around the fort so that if enemies are trying to enter they are not allowed to enter inside the fort, they will fall down into the water. कैनाल जानते हो ना, नहर पानी का निकालने का रास्ता है ना। तो गोलकोंडा फोर्ट जो है वो इसलिए उसमें बिग गेट्स हैं, स्ट्रॉन्ग गेट्स हैं, स्ट्रॉन्ग वॉल्स हैं, साथ में वहां पर बेस्टियंस बने हुए हैं, साथ में वहां पर फोर्ट की चारों तरफ पानी की नाली बनी हुई है जिससे कि अगर एनिमी अटैक कर रहा है तो वो अटैक ना कर पाए। दिस इज क्लियर? यस मैम, यस मैम। देवांश म्यूट योर माइक बेटा। देवांश, यस मैम, यस मैम, देवांश सक्सेना, यस मैम। अरे माइक बंद कीजिए। मैम कर लिया। हाँ, गुड गुड, उससे नहीं तो दूसरे लोग डिस्टर्ब होंगे ना, इसलिए कह रही हूँ, है ना। यस मैम। लेट्स सी अ स्मॉल वीडियो ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द फोर्ट। लिसन इट केयरफुली, ओके, फ्रॉम द टाटा क्लासेस। सी, आई हैव स्विच ऑन द वीडियो। सी, व्हाट अ ह्यूज फोर्ट। इट मस्ट हैव बीन अ डिफिकल्ट टास्क टू बिल्ड इट एट सच अ हाइट। See children, if you have seen that house has been built, whether in Sada, Raghugad, Kumbhraj, Ruthiai, Gate, कहीं भी मकान बनता है,
तो कितने ढेर सारे लेबरर काम करते हैं, इंजीनियर्स काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं उसको बनाने के लिए, जबकि वो तो प्लेन एरिया में बन रहा है. और इतना बड़ा फोर्ट जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग इन द पिक्चर, सच अ ह्यूज फोर्ट, ह्यूज है ना, बड़ा ह्यूज फोर्ट बिल्ड ऑन द हिल्स एंड माउंटेन्स. कितनी मेहनत लगी होगी, कितने लेबरर लगे होंगे, कितने इंजीनियर्स का दिमाग लगा होगा उसमें बनाने में. Don't you think it could have been much easier to build it on the ground? Surely. But this was one of the ways to make forts undefeatable for the enemies. So as I have told you, see in the, it is also written, forts are built atop mountainous terrain to defeat the enemy. It becomes hard for the enemy to attack on the fort and conquer the fort. Conquer karna yani win karna, jeetna. During the Qutub Shahi period, forts were generally built atop mountainous terrain to make it hard for enemies to attack the fort. This also gave defensive advantage to the army on the fort. Let's learn about. So, army on the fort, how it gives defensive advantage? Defensive advantage का मतलब क्या हुआ? उनको ये फायदा मिल रहा था कि वो दूसरों से अपने आप को बचा सकते हैं, लड़ते समय अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, अपने आप को सेफ रख सकते हैं. फोर्ट के जो सोल्जर्स हैं, वो गोलकुंडा फोर्ट के जो सोल्जर्स हैं, डिफेंसिव एडवांटेज का मतलब क्या हुआ कि वो अपने आप को सिक्योर करके रख सकते हैं. और मैम को लड़ाई में सबको आसानी से देख भी सकते थे. डीप एंड लॉन्ग डिचेस और पिट्स, सी डिचेस एंड पिट्स, ditches and pits yani gadde ya khaiyan hai na, main bata rahi hu na ki the, around the fort was surrounded yes. by water bodies and it was this ditches and pits which prevent the enemy from entering the fort hai na, which prevent the enemy from entering the fort. theek hai yes. Were dug along the outermost walls of the fort to prevent the enemy from entering the fort. These ditches or pits were filled with water. Someone singing. More difficult. The huge gate. Can you see the gate? It's a bahut bada gate hai, a big gate with a small door which will be open and from small door only. People can enter inside and can go outside. अगर आप कभी किसी और फोर्ट में गए हो देखने, जैसे कि रेड फोर्ट है या ग्वालियर का फोर्ट है, कहीं गए हो देखने, तो वहां आपने देखा होगा कि जो फोर्ट है उसका जो मेन गेट है उसमें एक छोटा सा गेट बना रहता है ताकि छोटे गेट से कम लोग आ जा सकें और वो रिकॉग्नाइज इजीली हो जाए कि ये हमारे ही गोलकुंडा फोर्ट के लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं या एनिमी आ जा रहे हैं. अगर बिग गेट खोलेंगे तो ढेर सारे लोग अंदर आ जाएंगे, ढेर सारे लोग बाहर चल जाएंगे, तो उनमें पहचान करना मुश्किल हो जाएगा कि एनिमी कौन सा. इट विल बिकम हार्ड टू रिकॉग्नाइज हु इज द एनिमी एंड व्हाई दे आर एंटरिंग इनसाइड द फोर्ट. Of the forts had giant spikes on them. These spikes, if they will, nukile dikh rahe na aap logon ko shark. These are the spikes. Ma'am, video nahi dikh raha. Yes, ma'am, video is not see. Yes, ma'am, video nahi dikh raha. 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 Yes, ma'am, मैम नहीं दिख रहा, प्रेजेंट कर दिया था इसलिए आपका चले गया था. बेटे सिद्धिका प्रेजेंट मत करो अपने आप को. सिद्धिका डोंट प्रेजेंट योरसेल्फ. सॉरी मैम, मेरे को गलती से हो गया इसलिए मैं फिर लेफ्ट होके दोबारा आ गई. Spikes क्यों बने हुए थे? If enemies are attacking by any
elephants. Elephants are the strong animal, big animal. Then if elephant will hit the gate, then he fights. Then here the fat skin of the elephant, and they can defeat the elephant. Elephant will not be able to forcefully open the gate. These fights prevented elephants of the enemies from opening the gates with their heads. The small gates in the big gate were used as regular gateways for moving in and out of the fort. These small gates were for so the limited number of people can enter and can went outside the gate, and they cannot. Enemies in the large number cannot enter inside the gate. And if 4-5 people are entering, then we can easily recognize those people that they are from our city. They are not the enemies. अगर दूसरे स्टेट के लोग अटैक कर रहे हैं, आ रहे हैं, बिग गेट के थ्रू ढेर सारे लोग आ जाएंगे, पर छोटा सा गेट होगा तो कुछ ही लोग आएंगे, और जो गेट पर गार्ड खड़े हैं वो उन्हें देख लेंगे कि ये हमारे फोर्ट के लोग हैं, ये बाहर के एनिमीज हैं. ओके? यस. यस. इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग द फोर्ट. दिस प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू कीप एन आई ऑन एवरीवन एंटरिंग द फोर्ट. Made it difficult for the enemies to break through these. So I have told you that the walls are very thick and. Ma'am, this is EBS class, no? Yes, yes. Who is asking? Ma'am, Siddhika. मैंने कल invitation भेजा था बेटा. Ma'am, मैंने शायद देखा नहीं होगा. हाँ, ठीक है. Ma'am. हाँ. स्क्रीन नहीं दिख रही. यस मैम, स्क्रीन नहीं दिख रही. यस स्क्रीन नहीं दिख रही. नहीं दिख रही. फिर से प्रेजेंट कर दीजिए. मैम स्क्रीन दिख रही है. मैम एक बार फिर से प्रेजेंट कर. मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है. रुक जाओ मैम, भेज के फिर से भेज के रुक जाओ. No ma'am. No ma'am, अभी भी नहीं दिख रहा है. No ma'am. No ma'am. No ma'am, अभी भी नहीं दिख रहा है. अभी भी नहीं दिख रहा है. नेटवर्क प्रॉब्लम होगा. बेटी कोई भी प्रेजेंट नहीं करेगा स्क्रीन जब मैं दिखा रही हूँ. ओके मैम. ओके मैम. यस. आप लोगों को कुछ लोगों को दिखाई दे रही, कुछ लोगों को नहीं दे रही. मैं ऑडियंस से बात करके देखूंगी. ठीक है, आप लोग सुन लीजिए. ठीक है मैम. स्क्रीन से भी नहीं दिख रही थी मुझे. एक बार दिखी थी फिर हट गई. नेटवर्क प्रॉब्लम होगी बेटा.
यस मैम नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है मैम क्या नेटवर्क यस मैम यस मैम यस मैम आपको मैं हिंदी में भी समझा रही हूँ इसमें भी ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपको थिक वॉल्स द फोर्ट वर मेड सो दैट एनिमीज कैन नॉट ब्रेक एनिमीज कैन नॉट एंटर बाय ब्रेकिंग द वॉल्स इनसाइड द फोर्ट आपका जो बेडरूम होगा ना घर में इतनी मोटी बात अब भाई सलोनी ने माइक म्यूट नहीं किया तो उसके घर की आवाजें आ रही हैं किसने सलोनी ने सलोनी एंड देवांश देवांश म्यूट योर माइक बेटा यस मैम कर दिया गुड 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 सुनिए तो जितना बेडरूम की थिकनेस होगी उतनी ब्रॉड उतनी थिक वॉल्स जो है वो गोलकोंडा फोर्ट में बनाई गई थी ताकि एनिमीज उनको इजीली ब्रेक करके फोर्ट के अंदर ना एंटर हो जाए देवांश माइक म्यूट कर ले सी बेस्टियन दीज आर द बेस्टियन मैम सुहम का भी हां बेस्टियन स्टैंड्स आउट इन अ राउंड शेप सोल्जर्स यूज फोर्ट्स इन द बेस्टियंस टू ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द एनिमी अराउंड द फोर्ट बेस्टियंस दिखाई दे रहा है आपको होल्स है बिग बॉल्स में ये होल्स हैं मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है ये होल्स हैं जो ऊपर की साइड बने हुए इसके थ्रू जो सोल्जर्स हैं द सोल्जर्स ऑफ द गोलकोंडा फोर्ट और द सोल्जर्स ऑफ द हैदराबाद सिटी दे कैन कीप इजीली वॉच ऑन द एनिमीज वेदर दे आर अप्रोचिंग एंड इन व्हाट नंबर दे आर कमिंग And with they are coming on horses or elephants or with sword or anything else, so they can keep easy watch on the enemies. These high and rounded walls help soldiers to keep an eye on things at a distance in different directions. So the bastions were these four sides were made round walls, like they were made. चारों तरफ बने हुए थे जो फोर्ट है उसकी ऊंचाई पे चारों तरफ बने हुए थे ताकि ऑल डायरेक्शन सोल्जर्स कैन कीप एन वॉच ऑन द एनिमी फ्रॉम द ऑल डायरेक्शन बास्टियंस वर आल्सो यूज्ड टू अटैक द इनकमिंग आर्मी ऑफ द एनिमी विद बोज एंड एरोज कैनन्स गन्स एंड अदर सच वेपन्स के थ्रू क्या करते थे सोल्जर्स जो बोर्ड और एरोज तीर कमान उसके थ्रू उन पे एरोज फेंक देते थे तो एनिमी वही डिफीट हो जाते थे कैनन होने तो कैनन के थ्रू वो उन पे एक्सप्लोसिव फेंक देते थे तो उसके थ्रू वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते थे फिर गन्स के थ्रू वो जो बुलेट है उसको फायर करते थे तो वो एनिमीज वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते थे दिस इज क्लियर बेस्टियंस यस मैम यस मैम यस मैम यस मैम के लिए हुआ है यस मैम बेस्टियंस के थ्रू स्किन तो कम यस मैम मैं आप आंसर तो दीजिए किस काम के लिए हुआ बेस्टियंस का यूज किस काम के लिए अभी बताया मैंने बताइए बेस्टियंस का यूज किन दो कामों के लिए हुआ है मैम हाँ बोलो पहला तो चारों तरफ झांकने के लिए देखने के लिए कि कौन दुश्मन कहाँ से आ रहे हैं और हाँ। दूसरी बात वहाँ पे वेपन से हमला करने के लिए तीर कमान से हमला कर सकते हैं कैनन हाँ। से बम बारूद मार के उन्हें हरा सकते हैं और और अपने राजा को या फिर सावधान कर सकते हैं कि ये लोग कुछ ला रहे हैं गुड गुड एक्सीलेंट एक्सीलेंट
और मैम वो क्लियरली ऊपर से देख भी सकते हैं कौन आ रहा है। यस मैम, उनका किला इतना सा बड़ा। गुड गुड गुड, आप लोगों को समझ में आ गया है ना। बेस्टियंस वर यूज्ड टू कीप एंड वॉच ऑन द एनिमीज अटैक, वेदर दे आर कमिंग इन व्हाट नंबर दे आर कमिंग एंड व्हिच वेदर दे आर कमिंग ऑन द एलिफेंट हॉर्सेस कैनन्स विद गन्स विद बोज एंड एरोस एंड to attack on the enemies like with the cannons with the bows and arrows with the guns they can attack on enemies. Okay, this is clear? Yes ma'am. Yes ma'am, it is clear. Here is a quick recap of what we have learned so far. See, सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ द फोर्ट, सबसे पहले कि डिचेस और पिट्स, डिचेस यानी खाई मेटर और पिट यानी गड्ढा, प्रिवेंटेड द एनिमी फ्रॉम एंटरिंग द फोर्ट। सो दिस डिचेस एंड पिट्स क्यों बने हुए थे? टू प्रिवेंट, टू स्टॉप द एनिमी फ्रॉम एंटरिंग द फोर्ट। फिर सेकंड क्या, बिग गेट्स विद जायंट स्पाइक्स प्रिवेंटेड एलिफेंट्स ऑफ एनिमीज फ्रॉम ओपनिंग द गेट्स। एलिफेंट अगर अपने हेड से मार रहा है गेट के ऊपर, इट विल गेट हर्ट बाय द स्पाइक्स और उसके बाद वो दोबारा ट्राई नहीं करेगा। बिग गेट्स बने हुए थे जो एलिफेंट है या जो आर्मी है एनिमीज की वो एंटर ना हो जाए। स्मॉल गेट्स मतलब बिग गेट, बड़े बड़े गेट्स में एक छोटा सा पार्ट ओपन कर दिया था, स्मॉल गेट बना दिया था, वो किससे? रिस्ट्रेन द नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग द फोर्ट, रिस्ट्रेन करना है ना, स्टॉप करना, उसको फिल्टर करना, उसको आई रखना कि हमारे हैदराबाद के लोग ही आ रहे हैं, एनिमीज तो नहीं आ रहे कहीं और से अटैक करने। स्मॉल गेट्स बने हुए थे, डिफिकल्ट फॉर द एनिमीज टू ब्रेक थ्रू। थिक वॉल्स क्यों बनी हुई थी? वो एनिमीज को डिफिकल्ट बनाने के लिए, वो वॉल तोड़ नहीं सकते। थिक वॉल्स बनी हुई थी, दो गोलकुंडा फोर्ट वॉज मेड अप ऑफ मड, बट देयर वर मेनी थिंग्स फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द फोर्ट। थिक वॉल्स बनी हुई थी, आपका बेडरूम जितना लंबा है ना, जितने में आपका बेड आ जाता है, अलमीरा आ जाता है और आपका इतनी ब्रॉड दीवारें बनी हुई थी गोलकुंडा फोर्ट की, सो दैट एनिमीज कैन नॉट डिफीट इट एंड कैन नॉट इजीली एंटर इनसाइड द फोर्ट। बेस्टियंस यूज टू कीप एन आई ऑन द एनिमी एंड अटैक देम। अभी मैं पूछूंगी ना, बेस्टियंस का यूज किस लोगों के लिए हुआ था? यूज टू कीप एन आई ऑन द एनिमी एंड अटैक देम। ठीक है, ठीक है, एक बार रिपीट कर दूं, क्या क्या था? डिचेस ऑफ पिट, बिग गेट्स विद जायंट स्पाइक, स्मॉल गेट्स इन द बिग गेट, थिक वॉल्स एंड बेस्टियंस। व्हाई बेस्टियंस वर मेड? बेस्टियंस की पिक्चर देख ली आपने, ऑन द बिग वॉल्स अराउंड वॉल्स ऑन द ऑल डायरेक्शन ऑफ द फोर्ट, दे वर मेड टू कीप एन आई ऑन द एनिमी एंड अटैक देम। ठीक है, तो यूज क्या होता था? प्रिवेंटिंग द एनिमी फ्रॉम एंटरिंग द फोर्ट, दे विल फेल डाउन इनटू द वाटर एंड दे विल नॉट बी एबल टू कम आउट ऑफ द वाटर एंड इन दिस वे दे कैन प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम एंटरिंग इनसाइड द फोर्ट। बिग गेट्स विद जायंट स्पाइक्स प्रिवेंटेड एलिफेंट्स ऑफ एनिमीज फ्रॉम ओपनिंग द गेट। वो एलिफेंट जो है वो हेड से मारेंगे अगर गेट पे, तो वो नुकीले नुकीले स्पाइक्स बने हैं वो उनको चुप जाएंगे। तो ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा, देखो मैं ऑफिस में बात करूंगी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? यस मैम, आवाज सुनाई दे रही है। यस मैम, मैं बात करूंगी आज, मैंने नोट कर लिया आपकी प्रॉब्लम, मैं ऑफिस में बात करूंगी। ठीक है, ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ओके ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम, ओके बेटा, ओके ओके मैम, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गई मैं, समझ गई।
स्मॉल गेट्स एंड द बिग गेट्स, और बिग गेट्स ही नहीं बनी रहती थी, बिग गेट खोलने के लिए पूरा गेट खोलना पड़ेगा, उसमें मैनी पीपल कैन एंटर, एनिमीज कैन आल्सो एंटर. सो बिग गेट्स के अंदर छोटे छोटे गेट्स बने हुए थे जो कि लोगों को चेक करने के लिए, किसका माइक खुला हुआ है, किसका माइक खुला हुआ है, अनम्यूट कर दीजिए माइक. देवांश देवांश मैं देवांश म्यूट कर दीजिए माइक. देवांश मैम, देवांश मैम, देवांश यस देवांश. सभी लोग मत बोलो, मैम शायद उसे हमारी आवाज नहीं आ रही. अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैम उसे माइक म्यूट करना नहीं आ रहा है. अच्छा हाँ, तो जब क्लास खत्म हो जाए ना उसके बाद फोन करके उसे बता देना कि कैसे माइक म्यूट किया जाता है. जो साइन बनाया ना लेफ्ट हैंड साइड को, उस पर क्लिक कर दो तो वो क्रॉस का साइन आ जाता है, इसका मतलब माइक म्यूट हो गया है. ठीक है, तो जो स्मॉल गेट्स थे वो इससे बने थे, टू चेक द नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग इनसाइड द फोर्ट. एंड थिक वॉल्स वर मेड 9 to 11 feet, 9 to 11 feet थिक वॉल्स वर मेड. So that enemies cannot break the walls and cannot enter inside the fort. Bastions used to keep an eye on the enemy and attack them. Bastions kya banate the, these were the round holes on the top side of the wall. They were made on all direction so that the soldiers of the fort can keep an eye on the enemy and attack on them. तो अभी क्विज, जितने भी क्विज के क्वेश्चन हो जाते हैं हम करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ठीक है बच्चों. यस मैम, यस मैम. देखिए, इफ द सेटिंग वर मॉडर्न व्हिच ऑफ दीज वुड मेक इट इजियर टू कॉन्क्योर द फोर्ट. अगर मॉडर्न तरीके से सेटिंग करते, जैसे आजकल आप देख भी रहे होंगे चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहाँ आर्मी भेजी जा रही है, एयरफोर्स भेजी जा रही है, नेवी भेजी जा रही है, ताकि अगर अटैक होता है तो हम उसको डिफीट कर पाए. आप देख रहे होंगे ना टीवी में चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी. यस यस मैम, यस मैम, यस मैम. कॉन्क्योर करना, दूसरे को विन करना, दूसरे को हराना, अटैक करना इजी हो जाता. फोर्ट को जीतना ट्रेन, फाइटर जेट, ऑटोमोबाइल्स, कैनन्स, किससे इजी हो जाता मॉडर्न डे में, किससे इजी हो जाता अटैक करना? कैनन्स, फाइटर प्लेन, फाइटर जेट. देखते हैं हम सब फाइटर करके देखते हैं. मैम हां, फाइटर जेट्स, फाइटर. सेकंड क्वेश्चन ले ले. यस मैम, यस मैम. सेफ डेलिंग्स वर बिल्ड इन ओल्डन टाइम्स. तो सेफ डेलिंग का मतलब है कि ऐसे करके सेफ्टी के साथ घर क्यों बनाए जाते थे पुराने जमाने में, क्यों बनाए जाते थे? बिकॉज ऑफ द हाई रिस्क ऑफ अर्थक्वेक, क्योंकि अर्थक्वेक बहुत आते थे. बिकॉज ऑफ द थ्रेट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल अटैक बहुत करते थे इससे. बिकॉज ऑफ द थीव्स, चोरों के कारण. बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ एनिमीज अटैक फॉर एक्विजिशन. मैम डी, डी हां, एनिमी अटैक करें मैम डी करने के लिए, उसके लिए मैम डी करके देखते, सबमिट करके देखते डी वाला. मैम डी गुड, डी because of the risk of enemy attack for acquisition. Ma'am B. B. Where is the Golconda Fort located? Ma'am B. Karnataka, Andhra Pradesh. Ma'am B. Rajasthan, kahan pe? Hyderabad kahan hai? Hyderabad. Ma'am Andhra Pradesh. Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश
फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। वेयर इज गोलकोंडा फोर्ट लोकेटेड? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। आपने अभी बताया आंध्र प्रदेश, इसको टिक कर दो। आंध्र प्रदेश। हम आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है ना। आपको भी पिक्चर बनानी है फोर्थ की कॉपी में। यस मैम। Yes, ma'am. Which of the following features of the Golconda Fort has protected the fort from Aurangzeb's army? Aurangzeb ki army se Golconda Fort bachane ke liye kaun kaun si cheeze thi? Thick wall, ditch, spike gate, fountains. Kaun kaun si cheeze thi? Thick wall. So, usko submit karke dekhte hain. Thick wall. Abhi padha hai humne. Thick wall. Phir ditch thi. ये आ गया आंसर। देखिए, थिक एंड हाई वॉल, द डीप डिच और पिट अराउंड द फोर्ट एंड स्पाइक हैवी डोर्स प्रोटेक्ट द गोलकोंडा फोर्ट फ्रॉम औरंगजेब्स आर्मी। जब कुतुब शाही डायनेस्टी के टाइम में भी फोर्ट बनाया तब कौन सा किंग था? औरंगजेब था। ठीक है, the pipes used for carrying water around the Golconda fort are made of bronze, clay, steel, wood. Kis cheez ke bane the pipes bataiye zara, kal hi bataya maine. Ma'am, bronze. Bronze ke? Sorry ma'am, clay ke liye. Clay. Clay. Yes ma'am, clay. Clay. Thick and high walls, 87 bastions and spike heavy doors are important security features of the Golconda fort. This way, you first tell me. Thick walls, bastions and spike gates. Fountains are beauty के लिए add किए जाते थे। आप लोग जब cities में जाते होंगे कहीं भी या garden में तो the fountain बने रहते हैं ना, that is for the beauty of the place. Yes, ma'am. That is for the beauty of the place. To attract the people, cool the atmosphere. Ma'am. हाँ. Ma'am, Siddika बार-बार messages भेजती जा रही है. Siddika? Yes, ma'am. तुम फालतू के. नहीं, message मत लिखिए बेटा. आप class attend कीजिए. ध्यान से सुनिए. ध्यान से सुनिए बेटा. बहुत ध्यान से सुनिए. मैम, बट आपकी वॉल्यूम मेरे पास अच्छे से नहीं आ रही। अच्छा, मैं अब आई फुल पे बेटा, साउंड फुल पे। मैं ऑफिस में बात करूंगी। एक तो मेरी पिक्चर दिखाई नहीं दे रही थी कई लोगों को, वॉल्यूम में दिक्कत है। मैं अभी क्लास होने की बात है, मैं ऑफिस में बात करूंगी। ठीक है मैम, मेरे मोबाइल में अच्छे से आ रही है आपकी आवाज। हाँ, हो सकता है आपके वहाँ नेट की दिक्कत हो, इसलिए नहीं। यस कौन से फीचर्स थे गोलकोंडा फोर्ट में अपने आप को छुपाते हुए, विदाउट बीइंग सीन, यानी अपने आप को छुपाते हुए एनिमी पे अटैक करना? कौन कौन से थे? हाई वॉल्स, बेस्टियंस, huge door, ditch, क्या थे बताइए? High walls, bastion, huge door, ditch, कौन सा होगा correct answer? मैम, ditch. ditch, चलिए ditch पे कर, आपने बताया था मुझे। no, अपने आप को छुपाते हुए protect करने के लिए अभी बताया था ना मैंने, round holes in the top of the wall. bastion. हाँ, bastion को check करके देखते हैं हम। मैम, बेस्टियन सकते हैं। बेस्टियन है ना? यस मैम।
और the pipes used for carrying water around the Golconda fort are made of the pipe clay. Clay. And clay. Good. Clay. Clay. बने हुए थे पानी, है ना? Clay. The gates of the Golconda fort had pipes. Mummy, expert could not push the them open. Push them open. Soldiers cannot. Mummy. सबमिट करके देखती हूँ मैं. करेक्ट. द गेट्स ऑफ द गोलकुंडा फोर्ट हैज स्पाइक्स ऑन देम सो दैट द एनिमी द एलिफेंट कैन नॉट पुश देम ओपन. How did the bastions help the soldiers to keep an eye on the enemy? Bastions कैसे help करते थे enemies के ऊपर watch करने के लिए? Soldiers could see in many directions from the curved bastion. Ma'am D, there were 87 bastions in the fort. हाँ, मैं बोलूँ बेटा पहले. Ma'am आवाज नहीं आ रही. किसको? Network का problem हो रहा है ma'am. Ma'am D. Network का problem हो रहा है. Not climb up to the bastion. The bastions were present on the outer walls. There was 87 bastions in the fort. A ko tick karke dekhe. Ma'am no, see hoga chahiye. And the soldiers could see in many directions from the curved bastion. Bastion curved straight hoga to hum utna acche se nahi dekh payenge. Curved honge. Ma'am awaaz nahi aa rahi. मैम आवाज नहीं आ रही. अब आई मैम आ गई. सिद्दीका तू अपने अपना जो मोबाइल है उसे रिफ्रेश कर तो फिर आएगी. रिफ्रेश भी नहीं पा रही है. रिफ्रेश हाँ मैंने भूल करके देखा था आ गई. मैम फिर से कोई बार बार मैसेज भेज रहा है. मैसेज मत भेजिए बेटा. How did the bastion help the soldiers in attacking the enemy? Bastions कैसे help करते थे soldiers के enemy attack करने में? मुझे पढ़ने दो तब बोला. Soldiers could see in many direction from the curved bastion. The enemy could not climb up to the bastion. Bastions were present on the outer walls. The curved bastion gave a better range for shooting. Which is the correct answer? D. D. ना उससे शूटिंग करने में इजीली हो जाता था. नो ए करके देखते हैं. ए भी नहीं है. द कर्व बेस्ट गिव अ बेटर रेंज फॉर शूटिंग. दैट इज करेक्ट बट इट इज नॉट शोइंग हियर. इसमें शो नहीं कर रहा है. देखते हैं किसमें शो कर रहा है. द एनिमी कुड नॉट क्लाइंब अप टू द. मेरे ख्याल से डी करेक्ट है. मैम लेकिन ये तो क्वेश्चन गलत है. आंसर ही गलत है क्योंकि इसमें क्वेश्चन तो अलग है. हाउ डिड द बेशियंस हेल्प द सोल्जर इन अटैकिंग द एनिमी? अटैक एनिमी कैसे किया होता है? ये तो एनिमी ही नहीं. मैम आपके साथ आवाज नहीं आ रही. अच्छा देखती हूँ बेटा. देखती मैम शो हमने अभी स्क्रीन प्रेजेंट की थी. घूमने आए वहाँ पे लोग और उसे उसको टैक्स मिलेगा. उसको पैसे मिलेंगे देखने के. फोर्ट वॉज सी एंटरटेनमेंट इवेंट.
मैम सी हो सकता है। बेटा रुको, हमें क्या करो, मत बोलो बीच में, मुझे बोलने दो, सबको सुनने दो ना। कोर्ट वाज यूज टू कंडक्ट एंटरटेनमेंट इवेंट। कोर्ट का यूज इसलिए होता था कि वहां पर प्ले वगैरह हो, ड्रामा हो, डांस हो। कोर्ट प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन सिक्योरिटी ऑफ पीपल। कोर्ट जो है, जो स्टेट के लोग हैं उनकी सिक्योरिटी इंश्योर हो जाती थी। कोर्ट वाज मेड इन रिमेम्बरेंस ऑफ दैट किंग। कोर्ट जो है वो दैट किंग्स के रिमेम्बरेंस में बने। मैम सी, मैम सी, मैम सी हो सकता है। मैम ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट, करेक्ट है ना। सो विद कोर्ट का क्यों बिल्डअप किया जाता था, ताकि लोगों की सिक्योरिटी इंश्योर हो, ताकि लोग बागों में सेफ्टी के साथ रह सके। विद दिस वी हैव एंड द क्लास। Join your hands, close your eyes and get ready for the Shanti Park. Saira ma'am, thank you ma'am. Saira ma'am, thank you ma'am. Saira.